गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज ग्रेट फाइव. सो ग्रेट फाइव में हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स? हम अपना चैप्टर कर रहे थे लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर में पार्ट दो, काला उदा बादल. जैसे कि हमने इसकी एक्सरसाइज कल तक तो कंप्लीट कर ही ली थी स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी वन मोर टाइम. एक बार हम देख लेते हैं इसका कंप्लीट वर्क, हमें क्या क्या करना है. पहले तो आपको रीडिंग करनी है कंप्लीट इस पूरे चैप्टर की, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी बेटर. ठीक है, उसके बाद आपको शब्दार्थ करने हैं. शब्दार्थ में आपको इसी तरह से ही करने हैं, लर्न भी करना है, रीड आउट भी करनी है. ठीक है, बिकॉज ये सारा वर्क जो है आपकी यूटी में भी आएगा, यूनिट टेस्ट में भी आएगा. ठीक है, सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. लर्न भी करना है, इसको अंडरस्टैंड भी करना और राइट भी करना. आफ्टर दैट यू हैव टू डू मौखिक. ये मौखिक वाले ओरल एक्सप्रेशंस जो हैं आपको कंप्लीट करने हैं. ये मैंने कल आपसे शेयर की थी, इसके आंसर्स जो आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हैं उसी तरह आपको भी इसके आंसर्स लिखने हैं. देन आ जाइए लिखित पे. लिखित यानी रिटन एक्सप्रेशंस. लिखित एक्सप्रेशंस आपको कैसे करने हैं स्टूडेंट? पहला प्रश्न आप यहाँ से देखेंगे और उसका पहला ही उत्तर आप यहाँ से देखेंगे. ठीक है, फिर दूसरा आप यहाँ देखेंगे, दूसरा आप इधर उत्तर देख लेंगे. देखिए मैं पढ़ लेती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह करना है. सो काला उदा बादल क्यों दुखी था? काला उदा बादल दुखी था क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था, परंतु वो किसी को अपना मित्र बनाने के लिए बहुत आतुर था. लेकिन जब भी वे किसी से दोस्ती करना चाहता, सब उससे डरकर भाग जाते थे. सब लोग काले उदे बादल से क्यों डरते थे? सब लोग काले उदे बादल से भीग जाने के कारण डरते थे. पुरवैया बादल को किस तरह की जगह पर ले गई? पुरवैया बादल को ऐसी जगह ले गई जहाँ खेतों में हरियाली नहीं थी तथा सूखी नदियाँ तथा नाले नजर आ रहे थे, यानी सब सूखा सूखा था वहाँ. नेक्स्ट इस बादल को देख किसानों ने क्या कहा? रस्सी बटते हुए किसानों ने जब बादल को देखा तो उन्होंने अपने अपने सन के गट्ठर उठाए और घरों की ओर तेजी से चल दिए. सन यानी जूट. ठीक है, आप यहाँ पर सन की जगह जूट भी लिख सकते हैं. जूट के गट्ठर उठाए और घरों की ओर तेजी से चल दिए. सो द लास्ट क्वेश्चन इज बादल प्रसन्नता से क्यों खिल उठा? आंसर इज जब बच्चों का एक जोरदार शोर गूंज उठा, ओ काले अलमस्त बादल, आओ हमारे साथ खेलो कूदो नाचो गाओ, ये सुनते ही नन्हा बादल प्रसन्नता से गूंज उठा. ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. प्रश्नोत्तर आपको कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक में. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टूडेंट सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने इस तरह का निशान लगाएं. ठीक है, बादल किसी को अपना मित्र बनाना चाहता था, बिल्कुल ठीक. लड़की आंगन में रंगोली बना रही थी, नहीं रंगोली नहीं बना रही थी, वो तो खेल रही थी ना, तो ये इनकरेक्ट है, रॉन्ग है. किसान नीम की छाया में रस्सी बट रहे थे, बिल्कुल करेक्ट है ये. पुरवैया बादल को हरी भरी धरती पर ले गई, ठीक, हरी भरी धरती पर नहीं सूखी धरती पर ले गई थी, इसलिए ये रॉन्ग है. नन्ना बादल धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया, जी हाँ नन्ना बादल बड़ा हो गया था बरसने के लिए फिर. ठीक है, सही उत्तर के सामने सही लगाइए, यानी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. बादल आसमान में किसकी तलाश में घूम रहा था? मित्र की. आओ हमारे साथ खेलो कूदो नाचो गाओ, हमने अभी पढ़ा था, बच्चों ने कहा था ये. किसान किस चीज़ से रस्सी बट रहे थे? किसान ना ही कपास से, ना तो ऊन से, ना ही प्लास्टिक से, सन से. ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट्स भाषा में आपको ये सारे कंप्लीट करने, ठीक है, विलोम शब्द कंप्लीट करने हैं और सेकंड वाला भी करना है आपको. ये सारे बहुत इजी हैं, आप आराम से कर लेंगे. ठीक है, सो ट्राई कीजिए सब करने के और इसको अपनी नोटबुक में मत कीजिएगा, ये सिर्फ बुक वर्क है आपका. इस वर्क के बाद स्टूडेंट्स लेट्स टर्न टू अनदर बुक, जो आपकी हिंदी व्याकरण की बुक है. सो हिंदी व्याकरण में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी यही सेम बुक है या नहीं, सलोनी हिंदी व्याकरण. ठीक है, कक्षा 5, ओपन पेज नंबर 28. पेज नंबर 28 ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए. इसमें पार्ट 5, संज्ञा यानी नाउन्स, हम नाउन्स पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें. ठीक है, सो नाउन्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ का नाम तो नाउन होता है. ठीक है, लेट्स सी कि इसमें क्या क्या और डिटेल्स गिवन है नाउन्स या संज्ञा के बारे में. ठीक है, तो संज्ञा इस शब्द को याद रखिएगा स्टूडेंट्स. संपूर्ण संसार में कई प्रकार के प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव होते हैं, उनको किसी न किसी नामों से अवश्य जाना जाता है. नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए. हिरन दौड़ रहा है, लड्डू में मिठास है, राजेश और राकेश विद्यालय जा रहे हैं.
ऊपर दिए गए वाक्यों में प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम दिए गए हैं। हिरण, राजेश और राकेश प्राणियों के नाम है। लड्डू एक वस्तु का नाम है। मिठास एक भाव का नाम है। विद्यालय स्थान का नाम है। कि सभी नाम वाली शब्द संज्ञा है। तो अलग अलग जो है कैटेगरीज में इनको अलग अलग विभाजित कर दिया है, यानी अलग अलग प्रकार से इनको अलग अलग विभाजित कर दिया है। ठीक है, जैसे कैटेगरी अलग अलग बना देते हैं ना, उसी तरह से लेट्स सी, जिन शब्दों में के किसी स्थान, प्राणी, वस्तु एवं भाव का बोध हो, जिन शब्दों से किसी स्थान, प्राणी, वस्तु एवं भाव, चार चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, स्थान, प्राणी, वस्तु और भाव। सो वही शब्द जो है संज्ञा होते हैं। ठीक है, सो नीचे कुछ संज्ञा शब्दों के नाम दिए जा रहे हैं, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव। ये चारों कैटेगरीज आपको गिवन है, आप ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद में हम आएंगे संज्ञा के भेद। ये संज्ञा के भेद मैं आपको कल डिटेल से खुद बताऊंगी। जब तक आप इसकी रीडिंग कीजिए, अपने इंग्लिश हिंदी लिटरेचर का जो अपना वर्क है वो कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे।